आशीन पूर्णिमा के दिन का जो ग्रहण लगने जा रहा है और यह ग्रहण जो है रात में भारतीय समय के अनुसार 1:05 रात्रि से लेकर 2:23 तक लग रहा है, जिसमें जो है आपका 1:18 का ग्रहण है और 1:18 के ग्रहण में जो है सो सूतक चुकी चंद्र ग्रहण में 9 पहले लग जाता है, इसलिए दिन में 4:05 में ही सूतक लग जाएगा। सूतक जो लगता है वह जो दीक्षा आदि ग्रहण किए रहते हैं या जो पूजा पाठ करना चाहते हैं उनके लिए भोजन वर्जित रहता है, लेकिन इसमें भी शास्त्र के द्वारा छूट दिया गया है। छूट यह दिया गया है बाल देर आतुरेर बिना बालक को, वृद्ध को और रोगी को इसमें सूतक नहीं लगता है और वो बिना खाए पिए उनको नहीं रहना है, वो खा पी सकते हैं जैसा जैसा करना है। सिर्फ ग्रहण काल में उनको निषेध किया गया खाने पीने का और बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जो है सो सूतक काल में मंदिर बंद नहीं रहता है, यहाँ की परंपरा यही है। यहाँ जो है सो सिर्फ ग्रहण काल में मंदिर खुला रहता है, पूजा बंद रहती है, इसलिए जो है सो यहाँ श्रृंगार आदि पूजा वगैरह सब होगा यहाँ और 8 तक लोग घर में पूजा करने तो ज़्यादा अच्छा है। रात 8 तक इसमें सूतक काल का निषेध नहीं किया जाता है। पूजा करने में कहीं कहीं है लेकिन बैद्यनाथ धाम की परंपरा है जो सूतक काल में पूजा निषेध नहीं है, आप कर सकते हैं। चूँकि जिनको उपवास करना है 9 पहले से वो कुछ ग्रहण नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी बालक, वृद्ध और रोगी आदि को छूट जो दिया गया है वो लोग ले सकते हैं। तो अनुमान के तौर पर संध्या काल में ही लक्ष्मी पूजन किया जाता है, तो रात्रि 8 तक पूजा कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए, अच्छा है। और ये जो है सो मेष राशि में यह ग्रहण लग रहा है, अश्विनी नक्षत्र में लग रहा है, इसलिए सब राशियों वाले के लिए जो है सो इसमें मेष, धनु और सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा कठिनाई रहेगी। वो जो भी मंत्र उनका इष्ट मंत्र है जिसमें वो जप करते हैं, रोजाना पूजा करते हैं, उसको अपना ग्रहण काल में जप करें तो उनके लिए शारीरिक कष्ट की निवृत्ति होगी और बहुत सारा फल भी उनको इसमें बताया गया है। ग्रहण काल जो है वह एक प्रकार से सिद्ध काल माना जाता है, उसमें पूजन का विशेष विधान बतलाया गया है, उसमें लोगों को कई गुना फल प्राप्ति होती है अगर कोई जप करते हैं, कोई पूजा करने का अर्थ अनुष्ठान करते हैं, पिंडदान वगैरह करते हैं, तो उसका फल बहुत अधिक बतलाया गया है। इसलिए आप लोग जो भी ग्रहण में पूजा करना चाहें तो रात में 1:05 से लेकर 2:23 तक पूजा कर सकते हैं, इसमें बहुत इसका फल बतलाया गया है। जो भी मंत्र हो कोई भी मंत्र लेके आप जप कर सकते हैं। दो दिया लगी।